सपा प्रमुख ही नहीं है, ये मुख्यमंत्री रहे हैं उस स्टेट के जिन्होंने ये सारी जमीनें आवंटन की थी। तो सिर्फ सपा प्रमुख नहीं है। दूसरी बात, आप पहले कुछ भी पूछे, सबसे पहले मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहती हूं जिन्होंने हम लोगों को बचाने के लिए, पार्लियामेंट को बचाने के लिए आज के दिन अपनी जान की आहुति दे दी। काश हमारे इस देश के प्रधानमंत्री या हमारे इस देश के गृह मंत्री भी इस श्रद्धांजलि में शामिल होते, उसके बाद जो भी फीता काटना था काट देते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं पर एक जो लाइन है, एक जो सीमा है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर और एक पॉलिटिकल हेड के दफ्तर में एक जो है लाइन जो है वो ब्लर हो रहा है, मिट रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। हाउस में भी मैं ये देखती हूँ कि उस दिन भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो हर सवाल का जवाब पॉलिटिकली देते हैं, टेक्निकली नहीं देते हैं। और हर चीज में मैं देख रही हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह का एक वातावरण बनता जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ आते हैं, लोग हमें यहाँ भेजते हैं उनकी बात को आगे रखने के लिए। किसी मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए हाउस के अंदर, खास तौर से राज्यसभा के अंदर। मगर मैं ये देख रही हूँ कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, इतने घबराए हुए हैं लाल टोपी से कि फीते पे फीते काटे जा रहे हैं, शिलान्यास किया जा रहा है। भैया, ये जमीन किसने दी थी, ये सब काम कैसे हुआ? दूसरी बात, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को अच्छी तरह बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए आपने वहां जो छोटे छोटे रोजगार वाले लोग थे जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, वो सब आप लोगों ने हटा दिए सफाई के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर। उनको क्या कॉम्पनसेट किया? कहीं उनको जमीन दी, उनका जो व्यवसाय है उसको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिली? ये मैं जानना चाहूंगी। ये सब तो देखिए दिखावे के लिए बहुत कुछ अच्छा है, मगर असलियत पे जाना चाहिए। और जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो सिर्फ सपा अध्यक्ष के तरह नहीं कह रहे हैं, वो एक प्रीवियस मुख्यमंत्री के नाम से कह रहे हैं कि जमीन किसने दी वो बता दीजिए।